हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। तो ये है हमारा गांव का घर। तो जैसे क्या था कि पहले तो ये बैठक हुआ करती थी, तो यहाँ पे बैठक लगती थी, दादा यहाँ पे अपना यहीं पे सोते थे। अब तो क्योंकि दादाजी हैं नहीं, तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे, जैसे किसी ने कुछ कुछ रख दिया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी गाय होती थी, पर दादाजी के जाने के बाद गाय भी यहाँ से हटा दी गई। लेकिन जैसे जो चाचा वगैरह हैं तो वो अपनी भैंस वगैरह बांधते हैं, तो मतलब वही इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं इसको, इस वाले एरिया को पूरा। ये दादाजी का नाम कपिल देव उपाध्याय। तो यहाँ से जब एंटर होते हैं तो ये वॉशरूम, ये किचन बन गया था, ये वॉशरूम की भाई दादी को फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाँव में तो यही होता है कि बाहर जाते थे तो बाहर जाने में दिक्कत वगैरह ना हो। फिर ये आंगन हुआ करता था। अब तो सारा ये मॉडिफाई करवा के इसको पूरा सीमेंट वगैरह करवा दिया, पहले कच्चे का हुआ करता था। फिर ये वाला कमरा होता था, इसमें सारा जैसे जब गाय रखते थे तो यहाँ पे गाय का पूरा भूसा वगैरह होता था। अब तो यार सारा बंद पड़ा है। दादी सिर्फ एक तो इस वाले एरिया को बरत रही हैं, ठीक है, या फिर इस वाले रूम को। ये हो गया यहाँ पे वॉशरूम, मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह सारी आ गई हैं। तो ये सप्लाई का पानी आता है। फिर ये हैंडपम्प, ये मेरे हिसाब से ये 2001 या 2 का लगा हुआ है, तो तभी से हम हैंडपम्प का ही पानी पीते थे। ये हो गया वॉशरूम। ये फिर एक और रूम, इसमें सारा जो सब्जियां वगैरह, क्योंकि दादा खेती वेती करते थे तो सारे प्याज आलू वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती थी। ये रूम लॉक है, तो ये दादा का क्या बोलते हैं जो संदूक वाला कमरा, इसमें सारा, इसमें बाबा अपना संदूक रखते थे। फिर इसमें सारा वो भी चावल गेहूं सारी जो भी खेती होती थी वो सारा रखते थे। तो ये लॉक ही रहता है अभी भी, मैं इसमें से थोड़ा बहुत ही दिख पा रहा है। ये यहाँ पे हमारी दादी जी सो रही हैं, तो यहाँ पे दादी जी सोती हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे रह रही हैं आंटी वो रहती हैं, लेकिन अब यहाँ पे मम्मी रहेंगी एक महीना, तो मम्मी यहाँ पे सोएंगी। और ये वाला रूम, ये पहले, अच्छा मम्मी तैयार हो रही हैं, हो जो। तो ये पहले ना यहाँ पे क्या था कि ये दरवाजा था, यहाँ पे देख के पता भी चल रहा होगा, तो ये पहले ये बैठक हुआ करती थी। तो जैसे कोई भी आता तो यहाँ ये बैठक होती थी, यहाँ पे सारे बैठते थे। फिर बैठक बाद में बाहर बना दी गई और ये वाले रूम को ऐसे एक बेडरूम की तरह, कोई इधर से आता इधर से निकलता, मतलब हाँ बहुत परेशान हुए। यहाँ पे भी क्योंकि एक दरवाजा था तो इसको बंद करके फिर ये एक बेडरूम की तरह हो गया, और फिर बैठक वहां शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे दादी सोती थी, यहाँ पे जैसे हम लोग आते तो हम लोग सोते थे। मतलब हम पहले हर 2 महीने के लिए आते थे, जैसे मई जून की छुट्टियां होती थी, स्कूल होता था, तो उस टाइम पे मई जून में पापा की भी छुट्टी हो जाती थी, पापा भी टीचर हैं और हम तो स्टूडेंट थे, हमारी भी छुट्टी होती थी। तो यहाँ पे हम लोग सोते थे, दादी की परमानेंट फिक्स है, गर्मियों में वहाँ पे, सर्दियों में यहाँ पे। और ये एक आंगन पहले खुला होता था, फिर बाद में ये बंद करवा दिया गया कि दादी को दिक्कत विक्कत ना हो। ये छत का रास्ता, ये छत हो गई। मतलब ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये करवाई गई है 2004-05 के आसपास की। और ये बैठक वाली छत हो गई। मैं ना डैडी को बोलता हूँ कि आपने अपनी स्ट्रगल की कहानी बताओ, मतलब उनका ना बहुत 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 गंदा स्ट्रगल था। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे कुछ नहीं था, सारा यहाँ बनाना, दिल्ली बनाना, फिर उसके साथ साथ बनारस में भी करना, उसके बाद अपनी बहनों की शादी करना। पापा ने अकेले बहुत चीज़ें की हैं। जो चाचा चाची हैं वो दादा के छोटे भाई थे, उनके बेटे हैं, लेकिन वो ना अपनों की तरह करते हैं यहाँ पे। कभी उन्होंने मतलब ये नहीं रखा कि नहीं भाई हम क्यों करें, हम गांव में यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो पीछे से सारा संभालना, सारी चीज़ें वही देख रहे हैं। तो अकेले पापा ने जो भी सारी चीज़ें करी, किसी ना किसी दिन वो सारा स्ट्रगल मैं लेकर आऊँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। खाना खाओगे ना तभी ताकत आएगी, ठीक है। बिस्किट नहीं खाने, अकेले बिस्किट से कुछ नहीं होगा। चाय बिस्किट खाने हैं, कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नहीं खाना। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब सबको बाय बाय बोलते। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जाने का मन नहीं है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक मैरिज अटेंड करनी है और उसके बाद एक दिन हम बनारस दर्शन करेंगे। दादी की तबीयत अब ठीक है, इसलिए हम लोग ने आगे प्लान थोड़ा चेंज कर दिया, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अभी रुकते। तो अब हम दोबारा आएंगे जल्दी ही, मासी की बेटी की
शादी है तो वहाँ जाना है। उनकी कल हल्दी थी तो उनका आ रहा था कि आ जाओ, लेकिन हमें ना सारी चीजें, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और उसके साथ साथ सारी चीजें देखनी भी होती हैं, तो अब हम यहाँ से निकले हैं। दिल्ली का ट्रैफिक तो बेचारा ऐसे ही बदनाम है, जो बनारस का हाल है उससे भी भयंकर। और ड्राइविंग अरुण हो चुके हैं इरिटेट, ड्राइव कर करके ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक। ये सामने क्या है, किला है, ये रामनगर का देखो एक बार रास्ता। और ये जगह है लंका, और जितने भी बनारस वासी हैं वो जानते हैं कि यहाँ का जो जाम होता है वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो अभी बस जाम में फंसे हुए हैं, देखा हो इधर बनारस की पतली पतली गलियाँ। एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। टूरिस्ट प्लेस तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या की फॉरन के भी बहुत ज्यादा फॉरनर्स हैं, फिर एजुकेशनल वे से भी हो गया। BHU अब क्या की मतलब आधा बनारस BHU की जो बिल्डिंग है उससे घिरा हुआ है। बनारस मतलब ये LPU के बाद इंडिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। LPU ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, फिर इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल ये है एम्स के बाद में। तो यहाँ पे क्या है, इलाज करवाने के लिए भी दूर दूर से लोग यहीं पे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए यहीं पे आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस ही हो गई, और शहर है छोटा सा। तो और अभी तो ऐसा है कि हम लोग सुबह के आज निकले हुए हैं और 6 बज चुके हैं, और बनारस को वर्ल्ड का ऐसे कहा जाता है जो पहला शहर बसा था पूरे विश्व में वो बनारस ही था। तो बहुत प्राचीन, विश्व का सबसे पुराना शहर है बनारस की नगरी, शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ। और देखो मेरी शादी भी शिव की भक्त हो तो शादी भी शिव की नगरी में हुई। सो अरुण आ गए हैं पार्क करके, वी रीच अवर डेस्टिनेशन। तो हम लोग बनारस फाइनली पहुंच गए और हमने कर लिया है चेक इन। तो ये है हमारा होटल जीरस। तो अभी यहाँ पे अरुण के लिए सरप्राइज है, क्योंकि अरुण को नहीं पता होटल क्या बुक किया गया है, बट मैंने अरुण के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। सो विल सी कि वैसा निकलता है या नहीं। हाँ तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया पर साला सच में यार, दिल्ली में ड्राइवर यहाँ ड्राइवर। इंस्टा पे रील वगैरह तो कुछ भी नहीं। सो ये है हमारा होटल, तो मैंने 401 उम्मीद करती हूँ जैसा वीडियो और पिक्चर्स में दिखाया गया वैसे ही हो। सो 1 2 3 जय शिव शंकर होपफुली। मुझे पता नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था। सो वेलकम सर। ओके ये रिसेप्शन नहीं है, अच्छा ये रूम में आ गए। ओके वेलकम सर। सो हम लोग पहुंच गए हैं बनारस और हमने चेक इन कर लिया है। तो ये हमारा रूम है, शोरूम टूर होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा, मैंने अरुण को बोला आज हम भी करेंगे, तो आइए। तो मैंने बुक किया है कपल सूट, और ये तो ये है हमारा पूरा लिविंग एरिया जहाँ पे हम दोनों रहने वाले हैं, जहाँ पे सिर्फ कपड़े फैले रहेंगे, जहाँ पे कपड़े फैले रहेंगे क्योंकि हमारा 3 दिन का स्टे है। सो ये है हमारा झूला जिसपे हम बहुत सारी रील शूट करने वाले हैं कल रेडी होके। और ये मतलब एक इससे भी अच्छा मैंने होटल देखा था, मतलब था ऐसा ही पर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो मोस्टली लोग जानना चाहते होते हैं कि कितना रेंट है कितना रेंट है, तो इसका जो स्टे का है वो एक दिन का 8,000 प्लस टैक्सेस और वो सब मिला के मतलब 9,500 के अराउंड है। तो ये है होटल जीरस, और ये है वाराणसी में सर्किट रोड के पास में, आगे कचहरी गेट्स पे आपको कम भी मिल जाए, लेकिन इंस्टेंट बुकिंग पे तो ये इतना ही मिला। मतलब अगर आप इसकी वही है डायनेमिक प्राइसिंग है। हाँ तो यहाँ पे ये पूरा लिविंग एरिया, यहाँ पे ये पूरी अलमीरा वगैरह होगी, बहुत अच्छे से लॉकर भी दे रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये हमारा बेडरूम, बड़ा ही क्यूट सा बेडरूम है हमारा। तो ये पूरा महाराजा स्टाइल में यहाँ पे हमें टीवी दे रखा है, अलमीरा, इसमें वैसे इन्हें टाल स्लीपर सब चीज दे रखी है हमें। और वॉशरूम भी मुझे इनके अच्छे लगे, ज्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, विद बाथटब एंड एवरीथिंग, तो काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो कपल फ्रेंडली रूम, मतलब पूरा सूट तैयार, स्वीट क्या बोलते हैं, कमरा देसी भाषा में, तो कपल फ्रेंडली कमरा तैयार किया गया है। तो यार हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया, पीछे अरुण के वैसे जूते बिखरे पड़े हैं, सॉक्स। हमने अभी ऑर्डर की है कॉफी अरुण के लिए, मैं नहीं लेती हूँ, प्लस वेज क्लब सैंडविच एंड फ्राइज।
तो अभी इसके बाद जहाँ फंक्शन है हम थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे, वहाँ पे फिर हम डिनर विनर करके थोड़ा सा संगीत इंजॉय करके वापस आएंगे। क्या हुआ अभी ना, जो यहाँ पे रूम सर्विस के जाए तो वो आए कह रहे जैसे ही रूम खोला वैसे कह रहे आपको कहीं देखा हुआ है? देखा है तो मैंने कहा यार वीडियोस वगैरह देखी होंगी, मैंने कहा वीडियोस कह रहे नहीं एक्टिंग तो मैं भी करता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, पर आपको कहीं और देखा? मैंने कहा कहाँ देखा है? सीपी में देखा है। आज से 8 साल पहले जो सीपी का पार्क है, जो आप लोग राजीव चौक, जिसे जिसको नहीं पता राजीव चौक का जो बड़ा सा पार्क है सेंटर पार्क, तो उस पार्क में और ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस आप हूबहू भाई। 8 साल पहले मतलब अरुण पता कैसे थे, जैसे खूंटी पे कपड़े टांगे होते हैं, तो मतलब अब का बंदा, अब का इनकी वो देख के तो 8 साल वो बंदा नहीं पहचान सकता उस चीज को डेफिनेटली। लोग यहाँ पे आए और आज तो पूरा दिन हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो गए, मतलब हमारे साथ एक्चुअली क्या था, बड़े बुजुर्ग सब लोग थे आज, नानी मौसी दीदी मम्मी रिद्धि उपासना, एक गाड़ी में 7 लोग बैठ रखे थे स्विफ्ट में। स्विफ्ट को आज हमने अर्टिगा बना दिया था। सही बात है, पर खैर हम लोगों ने एंजॉय किया। देखो यार फैमिली के साथ जो टाइम होता है ना वो आपको पता भी नहीं चलता। और थैंक यू लास्ट व्लॉग में मिले बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, तो अब से हमने क्या डिसाइड किया है कि हर व्लॉग के ना कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स को हम चूज क्या करेंगे और स्क्रीन पे हम लोग डिस्प्ले किया करेंगे। एक और काम बढ़ा दिया मेरे लिए, ठीक है? तो अब से हम वेट करेंगे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का।